ओके फ्रेंड, तो हम पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें हम डिजीजेस जो है उसका डिवीजन हमने देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। नाउ वी विल सी द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो एक और बात मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में हमने डिफरेंट टाइप्स देखे। एक और टाइप होता है डिजीज़ का, वो होता है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। अक्यूट डिजीज़ जो हैं वो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि शॉर्ट उनका जो ड्यूरेशन जो रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, शॉर्ट कोर्स रहता है उसका, एंड इट विल नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ह्यूमन बींग। ठीक है, दैट मीन्स उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इट विल नॉट कॉज, एंड इट विल नॉट हार्म मच टू द बॉडी ऑफ पर्सन। एंड ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और जो पर्सन जो है इसके बाद एक वीक या उससे थोड़े ज़्यादा दिनों में ठीक हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट डिजीजेस। ठीक है, लेकिन इसका जो अटैक होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, इंटेंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें सर्दी खांसी बुखार कभी कभी हो जाती है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो दीज आर वॉट, दीज आर अक्यूट डिजीजेस। ठीक है, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, एक वीक में होगी, अगर हमने ट्रीटमेंट लिया तो जल्दी ठीक हो जाती है, अगर नहीं लिया तो एक वीक या 10 दिन में वो आराम से ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें बॉडी में उससे कोई पर्टिकुलर चेंजेस जो है वो नहीं आते। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इंटेंस हो रहा है। एक्यूट जब होती हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल हमें फीवर होगा तो बहुत हाई फीवर होगा। ठीक, लेकिन क्या होगा कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन आप समटाइम अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है, अक्यूट डिजीजेज हमें फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, बार बार हो रही है, ठीक है, हर 6 महीने में जो है बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खांसी होने के बाद वो बहुत दिन में ठीक हो रही है, बार बार हर महीने हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ये दीज डिजीजेज आर कॉल्ड एज क्रोनिक डिजीज। ठीक है, क्रोनिक डिजीजेज ऐसी डिजीज होती हैं जिनका कि कोर्स लॉन्ग होता है। उन क्रोनिक डिजीजेज से बॉडी में जो है पर्टिकुलर जिस ऑर्गेन को अफेक्ट करती है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिजेनरेटिव चेंजेस कॉज करती हैं, और दीज आर हार्मफुल डिजीज। तो क्रोनिक डिजीजेज आर हार्मफुल एज कम्पेयर टू अक्यूट डिजीजेज। ठीक, तो ये हमने देखा डिविजन। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स कॉजिंग डिजीजेस। ठीक है, ईटियोलॉजी ऑफ डिजीज। ठीक है, इसे ईटियोलॉजी भी कहते हैं। ईटियोलॉजी मतलब कि कोई पर्टिकुलर डिजीज की ईटियोलॉजी क्या है, कॉजेटिव एजेंट फैक्टर क्या है उसका। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इज ईटियोलॉजी। तो अब हम डिफरेंट 5 फैक्टर्स आर देयर जो कि ईटियोलॉजी जो है शो करते हैं किसी भी डिजीज की। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, दीज आर पैथोजेंस, ठीक है, विच कॉजेस डिजीज। ठीक है, पैथोज मीन्स डिजीज और जिनेसिस मीन्स प्रोडक्शन और एजेंट्स। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ठीक है, अब ये पैथोजेंस जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये पैथोजेंस हो सकते हैं बैक्टीरियास, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोंस। ठीक है, सो इट कुड बी डिफरेंट पैथोजेंस। ठीक है, हेलमिंट्स, हेलमिंट्स जो है क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स होते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं, तो हेलमिंट्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, नेमेटोड्स, नेमेटोड्स जो है वो राउंड वर्म्स होते हैं, और हेलमिंट्स जो हैं वो फ्लैट वर्म्स होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग एजेंट्स विच कॉजेज डिजीज। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फैक्टर और एजेंट्स। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिटिव फैक्टर। न्यूट्रिटिव फैक्टर में क्या होगा कि न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे कि वाइटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये जो है हमारा कंपोनेंट्स है न्यूट्रिशन के, तो अगर इनकी कोई डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल कॉज डिजीज। तो दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रिटिव फैक्टर। ठीक है, न्यूट्रिटिव फैक्टर के अलावा केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो दीज आर केमिकल्स, ठीक है, जो कि कॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, इनकी ज्यादा किसी केमिकल का ज्यादा होना या किसी केमिकल का कम होना। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स क्या है, दीज आर केमिकल्स, तो हार्मोन्स की कमी या ज्यादा जो है वो डिजीज कॉज करती है। ठीक है, यूरिया,
यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर की क्या है, ये केमिकल्स हैं, इनको ज्यादा बनना जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है एंड इट विल कॉज अ डिजीज. तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर केमिकल एजेंट्स. केमिकल एजेंट्स जिनकी कमी होना या ज्यादा होना इट विल कॉज द डिजीज. इसके अलावा एक्सट्रिंसिक केमिकल्स जैसे कि गैसेस, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी डिजीज कॉज करते हैं, ये सब भी केमिकल्स हैं. तो दीज आर अ अगेन अ कॉजिटिव एजेंट और केमिकल फैक्टर्स. ठीक है, फोर्थ वन इज फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर मतलब, फिजिकल फैक्टर मतलब टेम्परेचर, दैट मीन्स कोल्डनेस और हीट, ठीक है, कोल्ड और हीट, टेम्परेचर, हाई अल्टीट्यूड, ठीक है, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन की वजह से भी जो है, रेडिएशन इज अ कैंसरस कार्सिनोजिक, कार्सिनोजेन है रेडिएशन, दैट मींस रेडिएशन की वजह से जो है किसी पर्सन को क्या हो सकता है, उसे कैंसर हो सकता है. तो रेडिएशन, साउंड, साउंड अगर बहुत ज्यादा हो तो एक पर्सन जो है वो उसकी हियरिंग इम्पेयर हो सकती है, ठीक है. तो कोल्ड, हीट, बहुत ज्यादा कोल्डनेस की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट की वजह से हीट स्ट्रोक हो जाता है, हाई अल्टीट्यूड पे जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, रेडिएशन की वजह से जो है कैंसर हो सकता है, साउंड की वजह से इंपेयर हो सकती है हियरिंग. इसके अलावा एक और फैक्टर है और वो है मैकेनिकल फैक्टर, ठीक है. मैकेनिकल फैक्टर्स जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, उसमें आएंगे स्प्रेन, ठीक है, इंजरी, कोई इंजरी हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए, जो जॉइंट्स हैं वो डिसलोकेट हो जाए, या बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है. तो दीज आर वॉट, दीज आर इंजुरीज, दीज आर मैकेनिकल फैक्टर जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जो है इलनेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर, बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिटिव फैक्टर्स, केमिकल्स, फिजिकल फैक्टर एंड मैकेनिकल फैक्टर. अब इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि बॉडी से एक्सटर्नल हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पैथोजेंस की, ठीक है, अगर हम बात करें टेम्परेचर की या हाई अल्टीट्यूड की, ठीक है, या साउंड और रेडिएशन की, या हम बात करें पॉल्यूशन की, ठीक है, या हम बात करें मैकेनिकल फैक्टर्स की, इंजुरीज की, ठीक है. So these are what? These are all extrinsic factor. Extrinsic factor? Extrinsic factors are those factors which causes disease and they are present outside the body. So these are called as extrinsic factor. While some factors are called as intrinsic factor which are present inside the body. ठीक है? For example, यहाँ पर हमने जो देखे कौन कौन से, हमने देखा न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके अलावा हमने देखा हार्मोन्स, ठीक है, इसके अलावा हमने देखा यूरिया, यूरिक एसिड. दीज आर व्हाट, दीज आर इंट्रिंसिक फैक्टर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारी नॉट ओनली इनसाइड द बॉडी बट एक्चुअली बॉडी इज रिलेटेड टू दोज डिसीजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में जो है न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, उसकी वजह से हमें डिजीज हो रही है, तो इनसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहेंगे विच इंक्लूड्स द बॉडी. एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो आउटसाइड बॉडी के बाहर से उसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसे कहा एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि बॉडी के अंदर से ही उसे अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर जो है दोज आर ऑल्सो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि बॉडी के अंदर ही ऑलरेडी प्रेजेंट है और उनकी वजह से डिजीज हो रही है. ठीक है, अब इन सारे केसेस में एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि प्राइमरी कॉज
एंड सेकेंडरी कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, प्राइमरी कॉज जो है वो डिजीज का कहलाता है कि जिसकी जो पहला जो है सबसे पहले उसकी वजह से डिजीज कॉज हुई तो उन्हें कहते हैं हम प्राइमरी कॉजेस। जैसे कि न्यूट्रिशन इसमें आता है, ठीक है, तो अगर एक पर्सन प्रॉपर न्यूट्रिशन ना ले तो दैट विल बी अ प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। क्यों? क्योंकि अगर एक जो पर्सन है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता है तो उसके बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो वो इजीली बाहर से इन्फेक्शन जो है उसकी बॉडी को होंगे और उसकी बॉडी जो है उन इन्फेक्शन से फाइट करने में एबल नहीं होगी। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी फैक्टर्स और प्राइमरी कॉजेस। जबकि सेकेंडरी कॉजेस जो है वो क्या होंगे, वो होंगे हाइजीन्स, पुअर हाइजीन। ठीक है, पुअर हाइजीन अगर ना रखें तो इट विल बी अ सेकेंडरी कॉज। ठीक है, और प्राइमरी कॉज विच आर प्रेजेंट इन इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं दीज आर प्राइमरी कॉजेस। ठीक है, ओके, तो ये जो फाइव फैक्टर्स हमने डिजीजेस के देखे हैं दीज आर एक्चुअली प्राइमरी कॉजेस ऑफ डिजीज। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, दीज आर प्राइमरी कॉजेस। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है डिजीज के प्राइमरी कॉज होंगे। इसके अलावा जो है सेकेंडरी कॉज क्या हो सकते हैं डिजीज के, सेकेंडरी कॉज जो है वो हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन, पुअर डाइट, ठीक है, पुअर हाइजीन एंड पावर्टी। ठीक है, तो दीज आर सेकेंडरी कॉजेज। जो अगर एक जो व्यक्ति है उसका डाइट पुअर है तो क्या होगा, दिस इट विल बी अ सेकेंडरी कॉज। ठीक है, और अगर उसने पुअर हाइजीन मेंटेन कर रहा है कोई पर्सन तो इट विल बी अ सेकेंडरी कॉज। ठीक है, पावर्टी है दैट मीन्स परचेसिंग पावर इज नॉट गुड एंड ही कैन नॉट परचेज द प्रॉपर फूड फॉर हिमसेल्फ, तो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी कॉज। दैट मीन्स प्राइमरी कॉजेज आर दिस, सेकेंडरी कॉजेज जो हैं पहले इनकी वजह से जो है डिजीज हो सकती है, उसके बाद ये जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं ये सरप्लस कॉजेज होते हैं, ऑन एडिशन जो है दिस विल कॉज डिजीजेस। ठीक है, बट द प्राइमरी कॉजेज एंड दिज आर द मेन कॉजेज ऑफ डिजीजेस। ठीक है, नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी हमने टाइप्स देखे क्लासिफिकेशन उसमें हम डिफरेंस देखेंगे और फिर हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन सम जो क्लासिफिकेशन हमने देखे, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल भी उसको बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, दूसरा हमने देखा उसमें एक्वायर्ड एंड कंजेनाइटल डिजीजेस। ठीक है, दूसरा एक और जो है वो हमने देखा, यस ठीक, तो सबसे पहले ये तीनों चीजों में जो है हम देखेंगे डिफरेंसेस। सबसे पहला हम देखते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंसेस जो है वो हम देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। ठीक है, सो वन पर्सन से अनादर पर्सन में ये डिजीजेस स्प्रेड होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो क्यों होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू ठीक है। दूसरा कॉजेस क्या होते हैं, तो इसके जो कॉजेस हैं पैथोजेंस रहते हैं, ठीक है, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियास, फंगाई, वर्म्स, प्रोटोजोआस, ये क्या है इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। जबकि इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या होता है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन और न्यूट्रिशन।
ठीक है, ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस, ठीक है, डीजेनरेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है हेरिडिटी की वजह से, ठीक है। तो इसके कॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस, डिजेनरेटिव डिजीजेस एंड हेरिडिटरी डिजीजेस, ठीक है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी, डिजेनरेशन एंड हाइपर सेंसिटिवनेस, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस जैसे कि डेफिशिएंसी हो जाए न्यूट्रिशन की और हार्मोन की, डीजनरेशन जैसे कि डीजनरेटिव चेंजेस हो जाए आर्थराइटिस में या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, हाइपर सेंसिटिविटी हो किसी पर्टिकुलर एजेंट के लिए जैसे कि पॉलन ग्रेन एलर्जी, ठीक है, या डस्ट एलर्जी, तो उसे हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? तो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? उसके एग्जाम्पल है टाइफॉइड, कॉलरा, ठीक है, और हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ठीक है। जबकि इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो डायबिटीज, ड्वार्फिज्म, एस्मा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जो है दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, और दे आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। दूसरा हेरिडिटी जो है इनहेरिटेंस इज देयर, इनहेरिटेंस मतलब कि जो डिजीज है वो वन जनरेशन टू अनदर पास ऑन हुई है, उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है। जबकि यहां पे इनहेरिटेंस इज एब्सेंट, ठीक है, कोई इनहेरिटेंस नहीं होता किसी प्रकार का, ठीक है। कंजेनाइटल डिजीजेस के एग्जाम्पल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीजेस जो है उसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हम दे सकते हैं, टाइफॉइड, कॉलरा, ठीक है, कैंसर्स, ठीक है। तो दीज आर डिजीजेस विच आर एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, दे आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है, और देयर इज नो इनहेरिटेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इज एक्वायर्ड डिजीजेस। अब एक और डिजीजेस है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? देखो, एक आपको डिफरेंस समझा देती हूं कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल क्या अंतर है। देखो, जो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस हैं वो तो एक ही टाइप की डिसीजन, जो कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑलवेज कम्युनिकेबल बिकॉज दे ऑकर फ्रॉम द एनी पैथोजेंस, इन्फेक्शन फ्रॉम एनी पैथोजेंस। जबकि नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में अंतर है। देखिए, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो एक एक्वायर्ड डिजीज है जो कि एक पर्सन को आफ्टर द बर्थ हुई है, ठीक है, एंड इट इज नॉट कम्युनिकेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो है इट कुड बी अ कंजेनाइटल एज वेल एक्वायर्ड डिसीज विच कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस, जिसे कि आप नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है दे कैन बी स्प्रेड, ठीक है। तो ट्रांसमिशन जो है इसका ऑलवेज क्या होगा? ठीक है, दे आर ऑलवेज कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑलवेज नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। अब ये इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती है? एक्वायर्ड डिजीजेस ड्यू टू इन्फेक्शन विद
सम पैथोजन, ठीक है, तो सम पैथोजन का इन्फेक्शन होने की वजह से ये डिसीजेस होती हैं, दे आर ऑलवेज एक्वायर्ड, ठीक है, दे कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ठीक है, विच इज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज और ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस इन बॉडी, ठीक है, और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है, तो दैट मीन्स दीज आर द डिसीजेस विच कुड बी एक्वायर्ड और कंजेनाइटल, ठीक है, ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मिलिटीज और डेफिशिएंसी और डीजेनरेटिव चेंजेस इन बॉडी, सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. नाउ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स वही बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस के हम लिख लेंगे, बैक्टीरियल वायरल फंगल प्रोटोजोअल, ठीक है, तो दीज आर डिजीजेस विच आर इन्फेक्शियस, ठीक है. नॉन इन्फेक्शियस में हम जो ये दोनों डिजीजेस हैं, ये हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया भी लिख सकते हैं, और साथ में ये नॉन कम्युनिकेबल, दैट मीन्स डायबिटीज ड्वार्फिज्म एस्मा प्लस हीमोफिल सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर ऑल इन नॉन इन्फेक्शियस, क्लियर. तो यहां पे अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में हीमोफीलिया, ठीक है, और आर्थराइटिस और आस्मा, दीज आर ऑल नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, डन. सो वी हैव डन विद द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड एंड इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव डन विद द क्लासिफिकेशन, वी हैव डन विद द फैक्टर्स विच कॉजिंग द डिजीज, दैट इज इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, ठीक है. सो नाउ वी विल सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस.